This call is now being recorded. हाँ सर, हाँ सर। तो सर इसमें ना जेटली की बुक में क्या है कि ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स को डिवाइड कर रखा है कि पहले जो पार्टिकल नेचर है वेव का, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, एक मिनट, यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कि पार्टिकल का वेव नेचर है, उसके रिगार्डिंग जो भी जो थ्योरी है ना वो सब दे रखा है। उसके बाद पार्टिकल्स वर्सेस वेव के बारे में जो क्लासिकल व्यू है, क्वांटम व्यू है, उसके बारे में दे रखा है। उसके बाद में सब चीजें है ना, बेसिकली एक प्रिसाइज फॉर्म में दे रखा है सब कुछ चीजें। तो आई थिंक ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कवर करेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, हिस्टोरिकल नोट से स्टार्ट करता हूँ, या फिर इसको इसको इसकी स्किप कर दूँ मैम सर? जैसे आपको अच्छा लगे, इसे की पॉइंट्स निकाल के हाँ आपको आप हमें बता दीजिए ठीक की पॉइंट्स क्या ठीक है ना। हाँ ओके 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 ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ कि मतलब नीड क्यों है ओरिजिन, मतलब क्वांटम की ओरिजिन क्यों, तो कुछ इंडिकेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स की। फर्स्ट थिंग तो आफ्टर रिलेटिविटी, और सेकेंड थिंग माइक्रोस्कोपी लेवल पे, यदि कोई पार्टिकल की, सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं तो वहां पे क्लासिकल अप्लाई नहीं होती। तो तब अपन देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें। ओके, तो यहाँ के दो पॉइंट ही, मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ है वो हुआ है एक, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो ड्रॉबैक थे वो दो कंडीशन पे अपन को पता लगा, एक तो रिलेटिविटी पे, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक डोमेन में सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। तो उसके बाद में कॉमन चीजें आई। जैसे मैं कुछ ये जैसे रिलेटिविटी की बात करें तो यस यस रिलेटिविटी मींस पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में। अच्छा ठीक है। बेसिकली हुआ क्या वहां पे, अपन यदि बात करें कि यदि कोई स्पीड है पार्टिकल की वो फुल एस सी के आसपास हो, तो इस कंडीशन में क्या है वो जो क्लासिकल वेवर है अपन बात करें या क्लासिकल मैकेनिक्स, वो फेल हो रही, तो उसके जो रिजल्ट थे वो फेल थे। माइक्रोस्कोपी लेवल पे क्या करें, जैसे 10^-एंगस्ट्रॉम, इस ऑर्डर पे, इस ऑर्डर की रेंज में क्या है कि क्लासिकल वेवर अपन को जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो उसमें अप्लाई हो रही थी, उसके जो रिजल्ट थे वो अनएक्सपेक्टेड थे। तो उस कंडीशन में अपन को देखा गया कि कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर, मतलब कि है ना। तब उसके बाद में कुछ फिनोमिना अकर हुई, जैसे अपन बात करते हैं। उसके बाद में 1900 में क्या हुआ, मैक्स प्लांक ने एक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का एक फंडामेंटल फॉर्मेशन किया, मैक्स प्लांक सर ने। उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज फॉर्म में है, एनर्जी का क्वांटाइजेशन है, और उसकी जो एनर्जी होती है वो एच नहीं होती। उसके बाद में 905 में, 1887 में क्या था, हर्ट्ज ने क्या क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मतलब एक्सप्लेन किया कि ये कुछ फिनोमेना होता है, बट ये बता नहीं पाएगा कि ये किस इसके इसका बिहाइंड फिजिक्स क्या है। तो सर आइंस्टाइन ने क्या किया, 905 में उसको एक्सप्लेन किया बाई प्लांक थ्योरी। उन्होंने बताया कि जैसे एनर्जी क्वांटाइजेशन होती है, वैसे ही जो लाइट होती है वो भी क्या है, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से टिनी पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं फोटोन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, लाइट होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स टिनी पार्टिकल से, वो उनका फॉर्मेशन टिनी पार्टिकल से होता है, उसको अपन बोलते हैं फोटोन। उसका जो एनर्जी होता है, एक फोटोन का एनर्जी होता है एच में। कॉन्सेप्ट को यूज किया, एनर्जी का क्वांटाइजेशन को यूज किया यहाँ पे लाइट पे, उसको एक्सप्लेन किया है, और इस कंडीशन उसको सर को वो मिला था नोबेल प्राइज। उसके बाद में 1911 में क्या हुआ, रदरफोर्ड ने क्या किया, एटॉमिक लेवल पे जो एटॉमिक्स के बारे में, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और 913 में क्या हुआ कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, एंड 923 में क्या हुआ कॉम्पटन स्कर्टिंग के बारे में। कॉम्पटन ने क्या किया कि उन्हें एक्सप्लेन किया कि एक वेव पार्टिकल की तरह वेव करती है, जैसे उन्हें एक्सरे है, उस इलेक्ट्रॉन पे कोलिजन से क्या हुआ कि स्कैटरिंग हुआ है एक्सरे और इलेक्ट्रॉन। वी कैन से दैट कि जो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या है, एज ए पार्टिकल की तरह वेव कर रही है, मतलब उसका डायरेक्टली प्रूफ है प्लांक्स का। बताया कि जो वेव है वो
एनर्जी है, या अपन बोल सकते हैं कि एनर्जी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में है, उसका एक सिक्वेंस अपन बोल सकते हैं 1925 में कॉम्पटन ने इसको बताया। उसके बाद में इसका जो एक्सपेरिमेंट, उसके बाद में क्या हुआ, नाइन प्रूफ के बारे में। ट्वेंटी फाइव में आई थिंक डी ब्रोगली हाइपोथिस आई कि वो पार्टिकल वेव की तरह वेव करता है और वेव भी पार्टिकल की तरह वेव करती है। इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ 1927 में डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने जो फ्रिंज का फॉर्मेशन हुआ बाय इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जैसे अपन बात करते हैं फ्रिंज का फॉर्मेशन वेव की तरह वेव वेव से होता है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का यूज किया, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया स्लिट से, तो उसका जो फ्रिंज हुआ, तो अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल्स उसका जो नेचर ऑफ वेव की तरह है, का एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ 1927 में डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट से। सो एंड ऑफ 19 और बिफोर स्टार्टिंग 20 सेंचुरी, ये ओरिजिन था, मतलब ये एक अपन बोल सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन टाइम था। यहाँ इस टाइम में बहुत से फिनोमेना हुए जो क्लासिकल से एक्सप्लेन नहीं हुए थे, इस टाइप में सब चीजें हुई है। उसके बाद में, हाँ उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सटेंड कर दिया दो फॉर्म में, एक तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स मैकेनिक्स बोल सकते हैं, एक होता है वेव मैकेनिक्स हो गया। मैट्रिक्स मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया कि जैसे कि बोर ने बता दिया कि क्वांटाइजेशन होता है एनर्जी का, कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, मतलब डिस्क्रीट डिस्क्रीट का, यहाँ पर डिस्क्रीट का अपन एनर्जी भी डिस्क्रीट के फॉर्म में है एनर्जी, और ये अपन बात इलेक्ट्रोमेटिक वेव या लाइट भी डिस्क्रीट के फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन भी जैसे अपन बात करें कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अपन बात करें लाइट मैटर से इंटरेक्शन होता है तो वहां पे एनर्जी डिस्क्रीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि इसका जो फॉर्मेशन है मैट्रिक्स के फॉर्म में कर दिया, मतलब आइगन वैल्यू से एक्सप्लेन किया है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से। और श्रोडिंगर ने क्या वेव के फॉर्म में किया है कि एक अपने पास में इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे तो जो अपन को जो सोल्यूशन मिलेगा वो एनर्जी मिलेगा, वो सिस्टम की एनर्जी को इंडिकेट करेगा, और जो वेव फंक्शन है वो उस सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। तो श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स हो गई, एक मैट्रिक्स मैकेनिक्स हो गई। मैट्रिक्स मैकेनिक्स में अपन आइगन वैल्यू से सिस्टम को डील करते हैं, उसको डायनेमिक्स को डील करते हैं, और वेव मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के बारे में, और जो उसकी जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो एनर्जी के बारे में बताता है उस सिस्टम के बारे में। और मैट्रिक्स मैकेनिक्स में जो भी फिजिकल पैरामीटर्स है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल होता है ना, उनका एक फॉर्मेशन क्या मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये सभी क्या यहाँ पे क्या डिस्क्रीट, मतलब इसका जो आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स का, जैसे मोमेंटम का एक मैट्रिक्स होगा उसका जो आइगन वैल्यू है वो सिस्टम के बारे में बताएगा कि ये सब चीजें हो सकती है। और वेव वेव मैकेनिक्स में क्या है, उसने कंटिन्यूस को यूज किया कि एक सिस्टम है उसका एक वेव फंक्शन होगा, वो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा अपन को, उस वेव फंक्शन को एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपन को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो उस सिस्टम के एनर्जी के बारे में बताएगा, और भी कुछ रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन फिजिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद में हुआ कि यहाँ पे जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशन ने क्या किया, जो वेव फंक्शन के बारे में बताया 1927 में, क्या मैक्स बोर्न ने एक्सप्लेन किया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कि जो वेव फंक्शन है उससे जो मोर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अपन प्रोबेबिलिस्टिक बता सकते हैं कि ये सब चीजें होगी, एक्यूरेटली नहीं बट प्रोबेबिलिटिक डेंसिटी के फॉर्म में अपन बता सकते हैं, उसका एक्सप्लेन किया 1927 में मैक्स बोर्न के बारे में। उसके बाद में इन चीजों का डायरेक्टली इन सब के बाद में डिराक ने एक डिराक नोटेशन का यूज किया कैट और बरा के फॉर्म में कि वेव मैकेनिक्स को और मैट्रिक्स मैकेनिक्स को एक न्यू नोटेशन के फॉर्म में यूज किया है, उसको बोलते हैं कैट या बरा नोटेशन बोल सकते हैं। ये सब स्टेट को इंडिकेट करती है, सिस्टम की स्टेट को इंडिकेट करती है। उसके बाद में और जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट थे, ऐसा नहीं कि वो फिजिक्स में है, बायोलॉजी में भी इसके यूज है, केमिस्ट्री में भी इसके यूज है, एटॉमिक फिजिक्स में हो गए, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ जो प्रिंसिपल है वो भी अपन क्वांटम मैकेनिक्स से सोल्व कर सकते हैं। स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स से वो डिपेंड करता है क्वांटम मैकेनिक्स से, वो अपन डिवाइड कर रखा है कि क्वांटम स्टेटिस्टिकल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो फंडामेंटल एप्लीकेशन है और जो सब चीजें वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में भी यूज होते हैं उनके, सेमी सॉलिड स्टेट में भी है, जैसे अपन सेमी कंडक्टर सुपर कंडक्टर को वो भी एक्सप्लेन करने में अपन यूज करते हैं इसका, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ये सब थ्योरी है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए है, कौन कौन सी थ्योरी अपन को मिली है, और कौन कौन से ये सब चीजें हुई है इसमें। उसके बाद अपन बात करते हैं कि पार्टिकल जो रेडिएशन बिहेवियर पार्टिकल का, एक पार्ट वेव का पार्टिकल नेचर किस टाइप से होते हैं, कौन कौन से ऐसे
अपन बोल सकते हैं कि थ्योरी है कि वो इसको एक्सप्लेन करती है। अपन यहाँ पर देखते हैं कि क्लासिकल मैक्सिमम में कि जो पार्टिकल होता है उसका मोमेंटम अपन इंडिकेट करते हैं, और वेव को अपन बोलते हैं वेव वेक्टर। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन डाल दिया डी ब्रोगली ने इस फॉर्म में एच अपॉन पी, कि ये है ना, ये रिलेशन है वेव और पार्टिकल का, दोनों का कॉम्बिनेशन। सो उसके बाद में जो पहला अपने पास में जो आता है थ्योरी आती है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। वो होता है कि कोई भी एक बॉडी है, वो जो भी उस पर इंसिडेंट एनर्जी होती है वो सबको ऑब्जर्व कर लेता है, एक मतलब अच्छा इमिटर और एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है एक बॉडी। इसमें जो जो एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ मिला है वो इस टाइप से मिला है, कंटिन्यूस ग्राफ मिला है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, और इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बताया कि जो जो इसका जो जो ग्राफ को मिला है, जिससे अपन बात करें, जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, ये क्या है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, और ये फ्रीक्वेंसी है। ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ग्राफ मिला है ब्लैक बॉडी का, ये एक्सपेरिमेंटल है। बट इसको थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करें, थ्योरेटिकली, और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, रेले जिन ने जो एक्सप्लेन किया है, वो उसका जो एक्सप्लेनेशन हुआ है वो होता है लो फ्रिक्वेंसी पे। लो फ्रिक्वेंसी पे इसको एक्सप्लेन करने में वो कामयाब हुए। और उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट थे, विन डिस्प्ले विन विन थे उनका, आई थिंक पूरा नाम मेरे को पता नहीं, तो उन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो हो गई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो स्पेक्ट्रल डेंसिटी का फॉर रेले न्यू स्क्वायर पे डिपेंडेंसी होती है, और विन की जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी का की पावर माइनस न्यू अपॉन के बी टी। अपन बोलते हैं डी के, जो डी के हुआ है ना, ये यदि एन इज इक्वल टू इनफाइन कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो ये इस टाइप का। बट जो मैक्स प्लांक थे उन्होंने बिना कुछ देखे हुए, ये सब चीजें वहां पे देख है थ्योरी में गिवन है, कि जो मैक्स प्लांक ने इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को देखे हुए बता दिया था कि इसका जो डिपेंडेंसी होगा स्पेक्ट्रल डेंसिटी का, वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में एच में अपॉन के बी टी माइनस वन, या फिर यहाँ इस फॉर्म में होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल, इसका जो टर्मोलॉजी आएगा थ्योरेटिकली इस फॉर्म में आएगा, बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि इस फॉर्म में होगा। उसके बाद में जो मैक्स प्लांक ने दोनों ही जो रिलीजन्स थे, और जो विन जो दोनों ही साइंटिस्ट थे, की थ्योरी को यूज किया है, और उन्होंने जो जो अपन बात करें विन जो रिलीजन थे, उन्होंने क्या किया, जो अपन इसमें जो ब्लैक बोर्ड में क्या होता है कि हार्मोनिक, जैसे अपन बोल है, इसका जो बोल है वो छोटे छोटे एटम से बने होंगे, तो अपन मान सकते हैं कि जैसे अपन एनर्जी उसमें टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन होगा, एज ए क्या होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह ओसिलेशन होगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट करेंगे वो, तो वो सब चीजें हैं। तो रेले जी ने क्या 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 माना कि जो ये सभी है जो ओसिलेशन है वो सेम फ्रिक्वेंसी से, जो सेम फ्रिक्वेंसी से ओसिलेट कर रहे हैं, बट ये सब चीजें ट्रू नहीं है, तभी रिजल्ट सेम रिजल्ट अपन को एक्यूरेट नहीं मिल रही। तो मैक्स प्लांक ने इनका यूज किया, और उन्होंने जो फ्रिक्वेंसी का जो फ्रिक्वेंसी वो डिफरेंट डिफरेंट ओसिलेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट है उन्होंने यूज किया, और जो एनर्जी है उन्होंने जो एनर्जी मानी है उस हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो कंटिन्यूस मानी है रिलेजन ने। उन्होंने माना कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो एवरेज एनर्जी होगा के बी टी की, वो अपन बोल सकते हैं, जैसे अपन बात करें जो एनर्जी है 1/2 m बी स्क्वायर प्लस 1/2 k² दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ दी वन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका जो एवरेज एनर्जी क्या होगा के बी टी, हाफ के बी टी हाफ के बी टी के बी टी होगा। तो और उन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट आता है मोड ऑफ नंबर ऑफ मोड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज में, वो रिलेजिस ने एक्यूरेट मेजर किया, उसका जो वैल्यू है r π μ² c³ होता है। तो मैक्स प्लांक ने इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज किया, बट उन्होंने जो जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑसिलेटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट मानी है। उसके बाद में जो रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट मिला है अपन को, वो मिला है इस टाइप से, स्पेक्ट्रल डेंसिटी का वो r π h μ³ c³ e^(h²/kBT⁻¹). और उन्होंने बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए ये बता दिया था कि इसकी जो इसका जो होगा डिपेंडेंसी होगी इसे इस जो अपने पास में एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ मिला है उसका इस टाइप से होगा, और थ्योरेटिकल भी यही हुआ, थ्योरेटिकल भी यही हुआ। और यदि अपन इसमें लिमिट पुट करेंगे, यदि अपन फ्रीक्वेंसी को 0 पुट करेंगे तो अपन को मिल जाएगा कि रिलेजिंग रिलेजिंग की तरह व्यू करें, और फ्रीक्वेंसी को इनफाइल कर देंगे, तो ये विन जो विन है जो साइंटिस्ट है उनके उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उनको मैच कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बाद में प्रूफ हुई। उसके बाद में ये जो ब्लैक बॉडी है वो उसका एक प्रूफ हो गया कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइजेशन है। तो वो मैक्स प्लांक ने जो यूज किया था एस न्यू, उसका एक वैलिड या अपन बोल सकते हैं कि सॉलिड वो थ्योरेटिकल अप्रोच बोल सकते हैं सब चीजें। उसके बाद में ये इसका जो स्पेक्ट्रम है जो फ्रिक्वेंसी का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के साथ में किस टाइप वेरी कर रहे हैं। जैसे कि अपन अज्यूम करेंगे ये फ्रिक्वेंसी है, जो टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे तो ये हो गया, ये जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर T1 है, उसके बाद में इस टाइप शिफ्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया।
एक रिलेशन आता है लैम्बडा 1 टी वी अपॉन टी, ये सब विन कांस्टेंट होता है लैम्बडा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो लैम्बडा मैक्सिमम होगा उसको ये इसका एक रिलेशन होता है। और एक जो बॉडी है उसका यदि टेम्परेचर टी है तो उसमें कितना एनर्जी इमिट करेगा एक बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर यूनिट एरिया की हम बात करें, तो उसका जो डिपेंडेंसी होती है सिग्मा टी की पावर 4 की फॉर्म में, मतलब टेम्परेचर पे टी की पावर 4 पे डिपेंड करता है एनर्जी। तो ये सब इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है ब्लैक बॉडी की रिगार्डिंग। और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की अपन बात करें कि इन जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है ब्लैक बॉडी की, तो अपन बोल सकते हैं कि जो सन है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो, और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, जो सोलर विंड होती है, सन से सोलर विंड निकलती है, वो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, वो उसके अंदर जो मैकेनिज्म होगा उसके बेसिस पे निकलती है सोलर विंड, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। और जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के जो पास में जो नियरेस्ट मटेरियल्स होंगे वो भी एज ए ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि अपन बोल सकते हैं कि एक ब्लैक होल है, यदि इसमें कोई भी लाइट इंसर्ट करेंगे तो वो बाहर नहीं निकलती क्योंकि अब्जॉर्वर है। तो एक ब्लैक होल के पास में नियरेस्ट बॉडी जब वो एक ब्लैक बॉडी के तो ट्रीट कर सकते हैं, और सन अपन बोल सकते हैं। और एक आर्टिफिशियल भी भाई केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, बट उसका मैं नाम उसका जो नाम उसको मैं भूल गया। उसके बाद में पवन एक एग्जांपल है प्लैटिनम ब्लैक, प्लेटिनम है, ओके प्लैटिनम ब्लैक नाम से एक एग्जांपल है वो, उसको भी हम ब्लैक बॉडी के रूप में ही यूज करते हैं। उसके बाद में हाँ ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें ये गिवन है इसमें जो मैंने बताई है, नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं, कैसे उसमें कैलकुलेट किया है एनर्जी को, प्लांक ने सब चीजें वो ये हो गया, उसके बाद डिपेंडेंसी हो गया सब चीजें ठीक है। जो सेकंड इसका जो एग्जांपल आता है जो पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द रेडिएशन, मतलब जो वेव का पार्टिकल नेचर, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक अपन मैं समरी बताता हूँ कंप्लीट, ये इसमें गिवन है सब जो थ्योरी इसमें गिवन है, तो आई विल गिव सम कंप्लीट समरी ऑफ दिस टॉपिक ओके। सो ये जो अपने पास एक मेटल है, बहुत सी क्वेश्चन अराइज होंगे इसमें, जैसे अपन इसमें एनर्जी इंसिडेट किया और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आउटर सरफेस के, वो क्या करेंगे एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, कुछ एनर्जी तो क्या होगा इस मेटल्स के इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसका एक स्पेसिफिक अपन बोल सकते हैं वर्क फंक्शन है, या वर्क फंक्शन बोल सकते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे, मतलब उस मेटल की जो एक कैपेसिटी होती है, एक हर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन वैल्यू होती है। तो पहले तो उस इंसिडेंट एनर्जी का कुछ पार्ट तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कुछ पार्ट उसको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो अपन बोल सकते हैं कि यदि कोई एक फोटोन उसकी एनर्जी इतनी है तो कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन की फॉर्म में, कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सो ये एक रिलेशन बनता है। इसमें होता क्या है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटली जो अपन को ऑब्जर्व हुए वो एक जो पहला पॉइंट वो है कि यदि कोई इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू इससे कम है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है, यदि कोई एक इंसिडेंट जो एनर्जी है उसका जो फ्रिक्वेंसी होगा उससे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कम है, तो अपन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजेक्ट नहीं हुआ, एक कंडीशन तो ये है, मतलब इससे ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि जो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट हुए हैं मेटल से, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि एक एक अपने पास में इंसिडेंट रेडिएशन, उसका जो इंटेंसिटी क्या है, अपन बोल सकते हैं कि वन नंबर, अपन बोल सकते हैं कि कुछ भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 5 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर एरिया टाइम की बात करते हैं, 5 पार्टिकल्स है, एक फ्रिक्वेंसी है कि 500 हर्ट्ज है, तो जो इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना उसके उसकी उसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड नहीं करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, बट कंडीशन हो जाएगी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए बस, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड थिंग है जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की जो पास करेगा वो इलेक्ट्रॉन होगी, वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, कि जो ज्यादा एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे। तो करंट तो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और बोथ द केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सब ये एक्सपेरिमेंटली अपन ने प्रूव किया है, ये सब चीजें हुई है। और के बाद में सब गिवन है जो मैंने बताया, सब यहाँ पे गिवन है। ये जो एक एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन बनी है वो क्या है। और एक दूसरी बात यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकलती है कि अपन जो मैक्स प्लांक है उसको कैलकुलेट कर पाते हैं इस थ्योरी से, अप्रोक्सीमेशन तो नहीं बट 0.5% का एरर होता है, बट वी कंसिडर कि अपन मेजर कर पाते हैं मैक्स प्लांक की वैल्यू को। कैसे, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हाँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक आता है, वो आता है कि यदि अपन जैसे अपने पास में एक ट्यूब है, ये कैथोड हो गया ये एनोड हो गया, यहाँ पे अपन एनर्जी को इमिट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे,
और ये इसके तरफ अटैक होंगे, तो यहाँ सर्किट में करंट वोल्टेज अपन अप्लाई कर रखा है तो सर्किट में करंट फ्लो होगी। यदि अपन इस पोलरिटी को रिवर्स कर दें तो क्या होगा कि इसके जो नेगेटिव पोटेंशियल इसमें क्रिएट होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इसकी तरफ यहाँ आने नहीं देगा, बट जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, उस बैरियर को भी क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे और चार्ज पे। वो इसका एक फॉर्मूला होता है ईबीएस। इससे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्स प्लैंक की वैल्यू को, एक साइंटिस्ट थे उनका जो ना हाँ मिलिकन, मिलिकन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेजर किया, जैसे यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, कि उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया इनके बीच में, कि वी एस है एच अपॉन ई न्यू ओमेगा पोनी, तो यहाँ पे वाई इजिकल टू एम एक्स माइनस सी है, तो एक ग्राफ ड्रॉ किया और इस टाइप से ग्राफ आया, तो समथिंग था कि इसका जो स्लोप है या फिर जो ये जो एरिया है वो एच अपॉन ई की जो वैल्यू होती है, ये अपन को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन 0.5% एरर होता है, बट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्स प्लैंक का, वो जो आता है वो 6.6 × 10⁻³ वही आधा रिजल्ट आता है। और साइंटिस्ट का नाम क्या, मैक्स प्लैंक, वो मिलिकन जो साइंटिस्ट है उन्होंने इनका बारे में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में ये सब एविडेंस है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल की वेव पार्टिकल तरह वेव कर रहे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है वो तो ठीक है। उसके बाद में कॉम्पटन इफेक्ट आते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट भी वो भी एक एविडेंस है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट है वो क्या चीनी पार्टिकल्स फोटोन के फोटोन से फोटोन का कॉम्बिनेशन होता है। अपने एग्जांपल के एक इलेक्ट्रॉन है फिर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कोई एनर्जी एक्सरे अपन डाल सकते हैं, एक्सरे बोल सकते हैं, एनर्जी एच नहीं होगा, तो आफ्टर क्या होगा, कोलिजन क्या होगा, दोनों में स्कैटरिंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस डायरेक्शन चला गया, ये कोई एक्सरे पार्टिकल्स है, तो जो स्कैटर्ड जो फोटोन है उसका वेवलेंथ में इंक्रीज होगा। क्लासिकली क्या होता है कि यदि क्लासिकली क्या होता है कि यदि कोई एक्सरे है वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन किया तो क्या होगा, एक्सलेट होगा, बाई एक्सलेशन से डी एक्सलेशन होगा तो एनर्जी मीट करेगा, बट जो एनर्जी मीट किया है वो उसका जो फ्रिक्वेंसी होगा वो इंसिडेंट एनर्जी से सेम होगा, मतलब वहां पे वेवलेंथ अपन वहां पे वेवलेंथ सेम होती है क्लासिकली, बट क्वांटम मैकेनिकली शिफ्ट होता है डेल्टा लेयर का, डेल्टा लैम्डा का। वी कैन से दैट कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है उसका जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इंसिडेंट वो उसका जो वेवलेंथ है इंक्रीज हो जाता है इन कंपेयर इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपेयर में, तो उसमें जो डेल्टा लैम्बडा का शिफ्ट होता है उसको अपन क्वांटम शिफ्ट भी बोलते हैं, बट क्लासिकली दोनों में सेम होता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी वेवलेंथ भी सेम होगी, तो उस फॉर्मूला को भी एक्सप्लेन करने में क्वांटम मैक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, और वो सब चीजें ना वो एनर्जी क्वांटम। उसके बाद में यहाँ पे जो डिपेंडेंसी होती है वो डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है स्कैटर्ड एंगल पे, जैसे अपन डेल्टा लैम्बडा है वो अपन बोल सकते हैं कि लैम्बडा सी है 1 − cos θ हो गया, ये थीटा है वो क्या है स्कटेड एंगल रिस्पेक्ट टू दियो, यदि इंसिडेंट यदि अपन बात करें ये एक्सरे की है इलेक्ट्रॉन है ये इस टाइप से ये एंगल है उस पर डिपेंड करता है, वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, तो ये डिपेंडेंसी भी अपन को थोड़ा बहुत याद रखना है। और क्लासिकल में दोनों का स्कटेड वेव का और इंसिडेंट वेव का दोनों का वेवलेंथ सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, नो चेंज होता है, बट इसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद में सब चीजें यहाँ यहाँ गिवन है कि यहाँ पे जो कोलिजन हुआ इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो अपन बोल सकते हैं इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों को अप्लाई करेंगे, इक्वेशन सोल्व करेंगे, तो ये सब चीजें गिवन है कि ये सोल्व करेंगे तो अपन को जो इक्वेशन मिलेगी वो सब डेल्टा लैम्बडा का फॉर्मूला मिल जाएगा, वो रिकॉलिंग काइनेटिक एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, सब चीजें मिल जाएगी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन है। उसके बाद में सब ये डेरिवेशन गिवन है। उसके बाद में पेयर प्रोडक्शन भी ये है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो है आइंस्टीन का मास एनर्जी फॉर्मूले को रिलेशन को के बारे में एक्सप्लेन करता है, कि एनर्जी को मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व, जैसे कि अपन बात करें फोटोन है, जो फोटोन होता है वो क्या करता है कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में, जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होती, एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं होती, फ्री स्पेस में तो वी कैन से दैट ये जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। होता कैसे बताता हूँ, जैसे आपके पास न्यूक्लियस है ये और काफी हाई एनर्जी, यहाँ पे जो अपन बात करें ना स्पीड वो क्या है सी के आसपास है, तो इस केस में ना क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो गई, वी कैन नॉट अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स इस पर्टिकुलर केस पेयर प्रोडक्शन में,
और पेयर एनालिसिस में, क्योंकि अपन ने जो जो स्पीड यूज की है जो फोटोन के लिए या अपन इलेक्ट्रोमेटिक वेव के लिए रेडिएशन के लिए, वो ऑलमोस्ट सी के बराबर है। तो जैसे कि इलेक्ट्रोमेटिक वेव है, न्यूक्लियर से इंटेक्शन हुआ और उन्होंने जो कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। होता क्या है, ये जो चीजें है वो होती है क्वांटम फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन होती है, कि वहां डिराक थ्योरी है, केजी क्वेश्चन होती है, केजी क्वेश्चन वो उन्होंने पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल के बारे में बताया एक्सप्लेन किया उसमें सब चीजें, वो सब वो एडवांस चीजें है और वो अप्लाई होती है जब जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट सी के बराबर होती है। ओके, सो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट जो जो पेयर प्रोडक्शन होता है, जैसे अपन फोटोन है वो क्या होगा, इसके जो आसपास क्या होता है कि एक फील्ड होता है, इस फील्ड से क्या होगा, उसका इंट्रैक्शन होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन बनेगा और पॉजिट्रॉन का जो उसका जो उन जो आई थिंक एडिसन ने इसका वो किया था, एडिसन ने इनके बारे में बताया था, पॉजिट्रॉन के बारे में बताया कैसे, जैसे अपन पास बात करें सरफेस जो अपन आउटर सरफेस अर्थ के आउटर सरफेस है, कॉस्मिक रे अपन बोल सकते, कॉस्मिक रे ना, कॉस्मिक रे, वहां पर कॉस्मिक रे में क्या है कि जो सोलर विंड से चार्ज पार्टिकल्स आएंगे उनको ट्रैप करते हैं, वो ट्रैप करते हैं उनका जो पाथ होता है, क्लाउड क्लाउड चैम्बर की बात करें, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ये, न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उनको, ये अपन वहां पे ट्रैप करेंगे और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसका जो पाथ को ट्रैप करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो उसका जो पाथ डेविएट किस टाइप से हुआ है, उस बेसिस पे अपन एक्सप्लेन करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोजिट्रॉन है, ऐसा पार्टिकल्स है, ये सब चीजें क्लाउड चैम्बर के द्वारा बेसिस पे होती है कॉस्मिक रे से, क्योंकि कॉस्मिक रे में जो सोलर विंड से जो आती है चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आयंस होते हैं, वो सब चीजें से उनमें अपन एक्सप्लेन करते हैं। और एडिसन का एक्सप्लेन किया था जो पेयर प्रोडक्शन है फ्री एसेस में एग्जिस्ट नहीं, एनर्जी अप्लाई नहीं होता, और जो पेयर प्रोडक्शन के लिए जो फोटोन की एनर्जी होगी वो होगी बोल सकते हैं कि जो टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सी स्क्वायर ऑफ रेस्ट मास ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, इससे ज्यादा होगी तभी वो फोटोन है वो उसके सराउंडिंग जो फील्ड होगा उससे इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन को कन्वर्ट करेगा। बेसिकली होता क्या है, जो पॉजिट्रॉन होता है उसका जो लाइफ टाइम होता है बहुत कम होता है, 10^-10 सेकंड होता है, इसका कारण ये है कि वो वापस कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिट्रॉन है वो जो इसमें क्या होता है कि दो रिएक्शन होती है, पेयर क्रिएशन हो गया फिर एनालिसिस होगा, जैसे पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होगा और उसको दो फोटोन इमिट कर देगा, जी ये पेयर एनालिसिस हो गया, तभी इसका जो लाइफ टाइम होता है बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे ही पेयर जो पेयर प्रोडक्शन से पॉजिट्रॉन का ओरिजिन हुआ वो रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ में और दोनों कंबाइन करके दो फोटोन पार्टिकल्स इमिट कर देंगे, दोनों का जो एनर्जी होता है जीरो, अपन बोल सकते हैं कि 1.02 को डिवाइड कर देंगे तो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। और इनका जो अपन ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें क्वांटम फील्ड थ्योरी में एक फेनमैन डायग्राम होता है, उनसे अपने एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब जैसे कि ये वर्टिसेस है, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, ये सब चीजें एडवांस है, पॉजिट्रॉन है, एंटी पार्टिकल के लिए अपन इसका डायरेक्शन अपोजिट रखते हैं। जैसे कि मेरे पास क्वांटम फील्ड थ्योरी था बॉम्बे में 4 सेमेस्टर में, तो थोड़ा मेरे को आइडिया है चीजों के बारे में, तो वो एक्सप्लेन करते हैं मतलब डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करता है इन रिएक्शन को, नेचर में जो एग्जिस्ट हुई है रिएक्शन हुई है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोजिटोन है वो रिकम्बाइन होके फोटोन दे रहा है, तो इसका एक ग्राफिकल फीचर क्या है कि इनको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, तो वर्टिसेस है उनके उनके डिफरेंट डिफरेंट से, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जो भी पॉइंट है वो अपन को ध्यान रखना है कि एंटी पार्टिकल की डायरेक्शन अपोजिट होगी, सब चीजें वो सब एडवांस टॉपिक है, उनका कुछ मतलब है नहीं, जस्ट नॉलेज। उसके बाद में ये तो ये सब चीजें हो गई, पार्टिकल रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, पेड प्रोडक्शन हो गया, और ब्लैक बॉडी हो गया, समझ में आ रहा है या फिर सब चीजें? हाँ पवन, सही है, कंटिन्यू। ठीक। उसके बाद में जो सेकंड जो है अपने पास जो एक्सपेक्ट है वो क्या है, पार्टिकल का वेव नेचर, पार्टिकल का वेव नेचर, तो उनने पे जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैटर वेव, उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल से वेव की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और वेव को पार्टिकल की तरह, जो एक्सपेरिमेंट थे 1997 में जो डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने प्रूव भी किया कि इलेक्ट्रॉन को फ्रिंज से जो जो अपने पास में स्लिट थे उनसे पास करवाया और जो फ्रिंज क्रिएट हुई है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स है बट वो वेव कर रहा है वेव की तरह, उन्होंने एक रिलेशन भी दिया, और जो ये जो रिलेशन है इनका कोई ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है कि ये क्यों है, बाय ऑब्जर्वेशन सब चीजें हुई है, जितना मेरे को पता है इनका कोई प्रूफ नहीं है, जैसे कि फोर्ट एनर्जी है इनका कोई प्रूफ नहीं है, तब ये हाइपोथेसिस है, सही भी हो सकती है, अपन को रिजल्ट दे रहे हैं तो सही है,
ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा कि वहां पे ये वो रिजल्ट गलत रॉन्ग दे रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये सब चीज थोड़ी गलत है, बट अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा। उसके बाद में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की ये सब एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस टाइप से हुआ है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। तो ये सब चीजें मैंने यहां तक देखा था और ज्यादा कुछ देखा नहीं। हाँ मोहित सर, यदि एनीवन। हाँ पवन, अच्छा बताया आपने। राहुल सर बताइए। यदि क्वेश्चन अराइज हो रहे तो अपन डिस्कस कर सकते हैं कि इस टॉपिक से, यदि वहां पे यदि फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था कॉम्पिटेंस कटिंग में कि बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, यदि जो कॉम्पिटिंग इफेक्ट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे दे रखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि वो एटम के अंदर यदि बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे कॉम्पिटेंस कटिंग का क्या फिनोमेना होगा, क्या उसमें चेंज होगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। कैन यू एक्सप्लेन पवन? वो मैं भी देखना पड़ेगा, मैं भूल गया, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है वो। उसमें ना क्या होता है कि वो जो इक्वेशन बनती है वो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण भी बनती है, प्लस कुछ इसमें एक फैक्टर और इंक्लूड होता है, तो वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। हाँ राहुल सर, कुछ और पूछना है क्या? अच्छा पवन, आपने कंप्लीट कर लिया है? हाँ, मैंने जो, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन तो राइज ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो हम जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर की, तो वहाँ वैक्यूम लेते हैं, तो हम वैक्यूम के अलावा अगर वहाँ एयर लें या कुछ और मीडियम लें, तो यहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि इलेक्ट्रॉन? वहां पे कोई मीडियम होगा, डेफिनेटली वहां पे कोई मीडियम होगा, तो क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन है कोलाइड करेंगे उस मीडियम के पार्टिकल से, तो जो करंट अपन को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, कोलिजन होगा ना, डेफिनेटली कोलिजन होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि है ना, और बेसिकली वो ही उस पे करंट पे इफेक्ट होगा डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे उस, जैसे अपन एक्सपेरिमेंटली अपन बात करें कैथोड है, यहाँ पे मीडियम डाल दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे उस इंटेंसिटी के साथ नहीं पहुंच पाएंगे जिससे जो वैक्यूम की बात करें, जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, अदरवाइज आपका इतना कुछ और भी। यू आर राइट। एंड सेकंड क्वेश्चन की अराइज होता है यहाँ पे कि जो हम जब हम वर्क फंक्शन की बात करते हैं, तो वर्क फंक्शन हम किसको कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अमिट होना चाहिए, इजेक्ट होना चाहिए, तो वहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम वर्क फंक्शन बोल रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है मटेरियल से जो हमें प्रोड्यूस हाँ, करना अपन है। बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है कि वो बेसिकली क्या होगा कि जैसे अपन बोल सकते हैं ये अपने पास मेटल है, तो वो एटम होगा, तो उस एटम का भी कुछ में कुछ इंटरेक्शन होगा ना इलेक्ट्रॉन के साथ में, अपन बोल सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स होगा, बोल सकते हैं कि उसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, उसको रिमूव करने के लिए अपन को पहले तो वो एनर्जी चाहिए कि वो एटम से मेटल से इजेक्ट हो सके पहले, तो क्यों हाँ, तो उनके वो बीच में तो इंटरेक्शन होगा ना। उसको आप वर्क फंक्शन बोल रहे हैं ना, आई एम यस राइट? यस यस देन हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? जैसे आपने भी कॉपर में कहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे ही अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं या बाउंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? अपन अपन दोनों की अपन एक्चुअल में जो मेटल्स है वो जो जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और बाउंड इलेक्ट्रॉन भी है, बेसिकली मेरे को तो इतना आइडिया है कि दोनों पे अपन दोनों की बात करते हैं, सरफेस की जो, हाँ, कंटिन्यू। यस, उसकी मतलब बेसिकली होता क्या है कि जैसे अपने पास में इस टाइप का कोई एक, इसका एक डायमीटर होगा या कुछ सब चीजें होगी, जहां पे अपन यहाँ पे एनर्जी अपन इंस्टॉल करवा रहे हैं ना, तो इस एरियाज में जो भी इसके सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऊपर वाले सरफेस के, ऐसा नहीं कि अपन अंदर जा रहे हैं, वो मोस्ट प्रोबली क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, उसमें क्या हो सकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और बाउंड इलेक्ट्रॉन भी है, जितना मेरे को पता है, मे बी रॉन्ग हो सकता हूँ। ओके, हमें इसका कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन है इधर बाउंड इलेक्ट्रॉन। ओके हाँ, तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एंड आपने कभी एक्साइटेशन एनर्जी रिलेटेड टर्म पढ़ा है कभी, एक्साइटेशन है, यस। फोटो एक्साइटेशन एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है कि
इलेक्ट्रॉन को बेसिकली उसका जो नाम है उससे दिख रहा है कि कोई भी पार्टिकल को एक्साइट करना है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने पास में एक हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये क्या है, एक ग्राउंड स्टेट में है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या है, फर्स्ट स्टेट में अपन को मूव ऑन कराना है, और अपन को पता है इसका जो एनर्जी होता है 13.6 एनर्जी होता है। यदि अपन इसमें एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा कि वो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस स्टेट से फर्स्ट एक्साइट स्टेट में करने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड आप ये वर्क फंक्शन या एक्साइटेशन एनर्जी में अलग अलग डिफरेंस मीन्स आप कह रहे हैं कि एक्साइट कर रहा है और वर्क फंक्शन बोल रहे हैं कि इजेक्ट हो रहा है, यस यस यस, मीन्स ये दोनों अलग अलग टर्म है या एक ही टर्म है? मेरे को हेलो, अच्छा, आप बोल रहे हो कि वर्क फंक्शन में और जो एक्सरेशन एनर्जी है वो दोनों सेम है या फिर या डिफरेंट स्ट्रेट है? टर्म? हाँ अच्छा, हेलो, आई थिंक दोनों ही ना, दोनों चीजें, क्योंकि वहां पे एक्सरेशन एनर्जी में क्या करते हैं कि अपने 13.56 पॉजिटिव दे दिया तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा उस स्टेट से। डेफिनेटली दोनों ही चीजें, आई थिंक दोनों चीजें मोर एंड सिमिलर सिमिलर ही है, उनका जो वर्किंग प्रोसेस है सिमिलर ही है, जितना मेरे को पता है। डिफरेंस अगर हम बात करें. हाँ, कंटिन्यू. हाँ, मतलब दोनों ही चीजें सिमिलर है कि वहां वर्क फंक्शन में भी क्या हो रहा है कि वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर, वो मिनिमम एनर्जी है उतना अपन को उस सिस्टम को मिल गया, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और एक्सेलरेशन एनर्जी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को उस स्टेट से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो जितना मिल गया वो उस स्टेट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। हेलो, यस यस हाँ, मिल्यूट, मतलब मेरे को लग रहा है ये जो वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन यही है जो इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के साथ कुलम्बिक अट्रैक्शन में अटैच्ड है, उस मतलब उस अट्रैक्शन को ब्रेक करके बाहर निकालने के लिए जितना भी एनर्जी जरूरत है ये वर्क फंक्शन है। एंड एक्साइटेशन एनर्जी जो है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, अगर उसका जो फास्ट एक्साइटेड स्टेट है मतलब उस स्टेट के जाने के लिए जो मतलब जितना भी एनर्जी लगता है उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, क्या तो हम अपन दो, ऐसा यस यस हेलो, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड में भेजे तो उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोले सेकंड स्टेट के लिए? हाँ, मतलब ये एक्साइटेशन जो एनर्जी है, मतलब ये जो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक जिस टाइम जा रहा है वो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है आई थिंक, मतलब ये डिफाइंड नहीं है। फर्स्ट टू सेकंड भी एक्साइटेशन एनर्जी है, बट वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एक्साइटेशन एनर्जी हो गया ना। तो बेसिकली, तो विद्युत, आप मेरे को ये बताओ कि जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने पास में है और ये अपने पास में एटम है, तो वर्क फंक्शन में क्या हो रहा है कि वो उस एनर्जी जितना एनर्जी उसको मिल गया उसके बाद में इलेक्ट्रॉन उस मेटल से बाहर निकल गए, मतलब उसके जो ऑर्बिट से बाहर निकल रहे हैं अपन बोल सकते हैं ना ये, तो है ना। बट एक्साइटेशन एनर्जी में क्या है कि वो उसी उसके मतलब उसका इंट्रेक्शन तो है उस न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे, इंट्रेक्शन तो है, मतलब उस कुलाम्बिक इंट्रेक्शन से बाहर नहीं निकला है। उसको एनर्जी मिलने के बाद में, जो एक्सेस एनर्जी मिलने के बाद में भी वो क्या है, स्टेट को चेंज कर रहा है, बट उसका जो कुलाम्बिक इंडक्शन है वो वहां पे है, रिमेन कांस्टेंट है। मतलब एटम के अंदर में है। हाँ, एटम मतलब उसका न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस वहां पे है, बट वर्क हाँ, फंक्शन, तो आपने बताया, ठीक बताया कि हाँ जो वर्क फंक्शन एनर्जी है वो क्या है, उसका जो कुलाम्बिक इंडक्शन से जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का जो कुलाम्बिक इंडक्शन होगा उस जो भी पोटेंशियल है उसके कारण जो एनर्जी है उस एनर्जी को वो जितना उसको मिल गया उसके बाद में वो मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस है वो रिमूव हो जाएगा, न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस से आई थिंक। टोटली फ्री हो जाएगा वो. तो विद्युत, आप ये बताओ कि ये जो है ये बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए है, फिर जैसे कि मेटल है तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे और एक बाउंड इलेक्ट्रॉन भी मतलब होंगे, दोनों के लिए? मेरे को ठीक क्या बोलो, कंफ्यूज हो रहा हूँ। मतलब क्वांटम किसके लिए है, क्वांटम और फोटोइलेक्ट्रिक दोनों वाइस वर्सा है? क्वांटम अच्छा, नहीं, क्वांटम तो दोनों के लिए अप्लाई एप्लीकेबल होता है, जैसे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए अपन बोल सकते हैं कि ये सब चीजें हैं, ये बुक में दे रखा है,
बट मैंने बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्वांटम स्कैटरिंग को एक प्रोजेक्ट किया था, तो उस वहां पे बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी अपनी स्टडी करते हैं नहीं, क्वांटम में। फोटोइलेक्ट्रिक बाउंड के लिए ही होगा क्योंकि हम लोग वर्क फंक्शन से निकल रहे हैं ना, हाँ हाँ सही बात है, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए होती क्योंकि है, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो वर्क फंक्शन का जरूरत नहीं होता, राइट? नहीं होता। हाँ, किसी को और कुछ आइडिया? हेलो पवन, जो आप राहुल सर आप जो बता रहे थे वर्क फंक्शन और जो आयनाइजेशन एक्साइटेशन एनर्जी में डिफरेंस, तो एक्साइटेशन एनर्जी तो आई थिंक किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए अपन बात करते हैं ना, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, एक पर्टिकुलर एटम को अपन एक्साइट करें इलेक्ट्रॉन को। जब वर्क फंक्शन की बात करते हैं तो एक पूरे मेटल की बात कर रहे हैं अपन, तो मेटल के अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर एटम के साथ में बाउंड नहीं है, वो जितने भी मेटल के अंदर एटम्स हैं सबका कंबाइंड इफेक्ट है, तो उन सबके कंबाइंड इफेक्ट को पार करते हुए मेटल की सरफेस से जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसको वर्क फंक्शन बोलेंगे, राइट? ओके, और बाउंड इलेक्ट्रॉन वाला तो अभी पता नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाउंड इलेक्ट्रॉन ही काम आता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन से ही होता है ना। अच्छा, यस। मेरे को भी ऐसे लग रहा है, इसलिए तो हम लोग वर्क फंक्शन का जरूरत था, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो वर्क फंक्शन का तो जरूरत नहीं होता था ना। इसका रीजन क्लियर नहीं है अभी। जो विद्युत आप बता रहे हैं वो भी ठीक है, अगर और थोड़ा सा कुछ प्रिसाइज आंसर मिलेगा इसका तो। राहुल सर, और कोई क्वेश्चन है आपका? और क्वेश्चन? नो, बस यही काफी है। मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत दो तीन ग्राफ है, आई थिंक याद नहीं है बट दो तीन ग्राफ है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, मेरा याद नहीं हो रहा है। हाँ, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या ग्राफ है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, मतलब हाँ, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी का, और कौन कौन है? का भी है शायद, देखो ना। बताया था ना मैं ये सब चीजें। ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा। एक बार बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको कहते हैं, मतलब जस्ट फॉर डेफिनेशन। ये है कि जैसे कि तेरे आपके पास क्या है कि ये कोई ट्यूब है, कैथोड है ना, यहाँ पे आपने हुआ क्या, यहाँ पे हाँ वोल्टेज लगा दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे तो ये एनोड के पास आएंगे और यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा। ओके, आपने आगे रिवर्स, इसको फुल रिवर्स कर दिया बैटरी को, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के एक मैक्सिमम, वो ना जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच पाएंगे, और उसको बोल रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसका जो पोटेंशियल होगा वो कनेक्ट कर रखा है काइनेटिक एनर्जी के साथ में। ये पता नहीं है कि इसकी वैल्यू आई कैसे, ये EVS क्यों आया है, ये तो गिवन है, और ये गिवन क्यों है कि इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच पाएंगे इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे। बेसिकली स्टॉप का मतलब क्या होगा, वो करंट को जीरो कर देगा। पवन, यस, तो ये इसका जो है ना, हाँ, थोड़ा मुझे बताओ। हाँ पवन कंटिन्यू। हाँ, मतलब विद्युत समझ में आया, मतलब क्या है ये जो है ना, मतलब नेगेटिव पोलरिटी करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो क्या होगा कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच पाएंगे, जो जिसका जो लोअर काइनेटिक वो यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसके इन्फ्लुएंस से इस डायरेक्शन में होगा, तो उसको रिलेट कर रखा है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ में ये जो रिलेशन रहता है, तो यही उसका बता रहा इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का यहाँ पे? हूँ। है स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कि ये रिलेशन है कि एच म्यू
ई डी एस प्लस एच म्यू नॉट होगा, ये एनर्जी का रिलेशन आता है, वर्क फंक्शन सॉरी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो एच म्यू म्यू नॉट प्लस ई बी एस। तो यदि अपन इसको मैं थोड़ा मतलब अरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक ग्राफ प्लॉट होगा इसके बीच में वी एस, और आई थिंक मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे होगा, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट और बी एस। तो वाई एच एक ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ प्लॉट होगा, मैं भूल गया कहाँ पे था ये मेरा। उससे ना मैक्स प्लांक की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्स प्लांक जो कॉन्स्टेंट है ना, मैक्स प्लांक कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ से। ये रहा, ओके वाई एम एक्स, तो इसके बीच में वी एस के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ लोड करेंगे ना, तो अपने पास में इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, और ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन इसकी वैल्यू है एच अपॉन ई, तो अपन ग्राफ से कैलकुलेट कर लेंगे। ये मतलब मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन जो साइंटिस्ट ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या किया, कि जो अपने पास फ्रिक्वेंसी का यूज किया, वर्क फंक्शन का यूज किया, उसके बाद में ग्राफ लोड किया, और उस ग्राफ के साथ में जो ग्राफ लोड करने के बाद में जो वैल्यू मिली है एच अपॉन ई की, जो वैल्यू मिली है कुछ मिली है उसकी, और ई को अपन ई अपन पता है, अपन मेजरमेंट कर लेते हैं एच का, और ये जो वैल्यू जो एच की वैल्यू है वो जो एग्जैक्ट मैक्स प्लांक ने बताई थी उससे ऑलमोस्ट 0.5 करेक्शन के साथ में होती है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है बट इसका कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, बट अपन बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है इसका, मतलब इसके बेसिस अपन निकाल नहीं निकाल सकते, यदि अपन ये पता नहीं होता तो अपन मैक्स प्लांक की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, तो ये एक इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं अपन। एनीवन राहुल सर मितेश, हाँ पवन हेलो हेलो, हाँ मितेश यू हैव एनी डाउट? हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू ये पोटेंशियल वाला, ये समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बट इसने लिखा कैसे, ये जो है ना ये हाँ। कैसे आए वो, ये मेरे को नहीं पता कि इसने इन्होंने मे बी डायमेंशन मैच हो रही है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की और इसकी, बट ये जिसका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर क्यों होता है ये मेरे को पता नहीं, बट और इस टाइप हाँ। फिर ये इसको मतलब रोकना क्यों चाह रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा, कि मतलब नेगेटिव जो पोटेंशियल जो लगाया है ये किस मतलब ये क्यों करना चाह रहा है यहाँ पे, उससे डायरेक्टली अपन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी ना, कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, कि बेसिकली होगा क्या ये अपने पास कैथोड है यहाँ, या अपन ने क्या किया नेगेटिव पोलैरिटी लगा दिया, तो अपन को मिल जाएगी कितने काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ इस कैथोड से इंसिडेंट करवाने से ना, तो वो डायरेक्टली कंस्टेंट से काइनेटिक एनर्जी को अपन मेजर कर पाते हैं इस चीज से, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल से। ओके बेसिकली ये हो सकता है कि अपने पास वीएस तो नोन है और जो काइनेटिक एनर्जी मेजर हुआ है उन दोनों का रेशियो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज उसके बराबर हो सकता है, तो वी कैन से दैट कि जो वीएस का और काइनेटिक का जो रेशियो है वो इसके बराबर हुआ है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हुआ है, अपन बोल सकते हैं कि अपने पास में वीएस नोन है, काइनेटिक एनर्जी अपन मेजर कर लिया, दोनों का डिवाइडेशन किया, तो वो किसके बराबर आया, ई की वैल्यू के बराबर है, तो ये अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। दोनों क्वांटिटी नोन है, तो यहाँ पे ये हुआ कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। हेलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, हाँ, क्योंकि ई तो अपने पास में कांस्टेंट क्वांटिटी हुई ना, तो वो तो प्रोपोर्शनल है दोनों, तो कम क्यों होगा। हेलो पवन, यस यस दोनों प्रोपोर्शनल है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब इसका और एक इम्पोर्टेंस ये हो गया ना,
क्योंकि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम लोग मतलब वी गेट टू नो व्हाट व्हाट आर द मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट देयर, यस यस दिस इज द हां दिस इज द हां अनदर इम्पोर्टेंस हो गया आई थिंक कि स्टॉपिंग पोटेंशियल्स के बेसिस पर बता सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कितना इजेक्ट हुआ है, कितना मैक्सिमम काइनेटिक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पॉइंट कितना हो कॉन्स्टेंट सके हो तो वो गया इम्पोर्टेंस हो गया। तो अब जो इम्पोर्टेंट तो मतलब यहाँ पे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वली होगा ना पोटेंशियल के साथ, क्योंकि वीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर में जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इतना भी ही हो गया, मतलब वीएस इंटू ई, उसके साथ तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा ना। नहीं होगा, बट मे बी कुछ पैरामीटर्स उसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, ये मेरे को पता नहीं इसने क्यों किया। मे भी हो सकता है कि उन्होंने मेजर क्यों किया होगा काइनेटिक एनर्जी का और वीएस का रेशियो है वो इसके बराबर आया होगा, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का, अच्छा इलेक्ट्रॉन के अच्छा चार्ज के बराबर आया होगा, तो वी कैन सी। हाँ तो ये अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन काइनेटिक एनर्जी बराबर है। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ आना, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है ये सब चीजें, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुई है ये सब चीजें, ये एक्सपेरिमेंटल है। ब्लैक बॉडी के रिगार्डिंग कोई एनीवन हैव एनी डाउट हाँ, ब्लैक बॉडी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो ग्राफ है ना बताओ बताओ विद्युत बताओ कौन कौन सी क्वेश्चन मेरा है। तो याद नहीं है अभी, बट नहीं एक बार देखना पड़े, यहाँ पे जो शिफ्ट वगैरह है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। शिफ्ट हाँ मतलब जो टेम्परेचर के साथ कोई एक नहीं पर्टिकुलर टेम्परेचर में, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में जो टेम्परेचर का ग्राफ है उसके, मेरा क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, बट मैंने उस टाइम देखा था, कोई यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। विद्युत, आप स्टीफन्स लॉ से रिलेटेड बता रहे हो ना कि हाँ टेम्परेचर हाँ हाँ ज्यादा हो मतलब लैम्डा टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, वहां से हो सकते हैं। मीन्स डिस्प्लेसमेंट पर हो सकता है कुछ, वो तो डिस्कस कर ही लिए ना। अच्छा हाँ वो विद्युत, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए थे। हाँ विद्युत, अच्छा आप बता सकते हो कि लिमिटेशन क्या क्या है क्वांटम मैकेनिक्स की, लिमिटेशन क्या क्या है? लिमिटेशन नहीं पवन, अभी तो याद नहीं हो रहा है। बेसिकली वो है ना कि यदि कोई एक इस पार्टिकल की स्पीड और इक्वल होगी सी के आसपास, तो वी कैन से दैट यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे हम क्वांटम फील्ड थ्योरी को यूज करेंगे। हाँ ये तो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है, अप टू श्रोडिंगर इक्वेशन। यस यस यस, तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए है। और अच्छा सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे ना अपन एंटी पार्टिकल के बारे में कोई स्टडी नहीं करते। एंटी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल पॉजिटॉन है, बट यहाँ पे अपन कभी स्टडी नहीं करते एंटी पार्टिकल्स के बारे में भी, उनकी एनर्जी के बारे में भी अपन देखते नहीं है, ठीक है। और जो होता है जो श्रोडिंगर केस में क्या होता है कि और हम बोलते हैं ऑर्डर टू का है एक, ठीक है, डेल स्क्वायर साइन प्लस एन आई थिंक माइनस साइन, ये इक्वेशन है। तो इसका जो है ना मतलब दूसरी बात यह है कि इसका मतलब अपन बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए ही कितना कुछ कॉम्प्लिकेट वो होता है इसका सॉल्यूशन निकालना, श्रोडिंगर से सॉल्व करके। तो जैसे अपन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कितना कॉम्प्लिकेट है, तो अपन जैसे कि अपन टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो उसके लिए आई थिंक ये है ना, ये सब बहुत से अप्रोक्सीमेशन यूज करने पड़ते हैं इसमें, तो वहां पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट रहता है, निकाल सकते हैं बट बहुत से वो अप्रोक्सीमेशन यूज करने पड़ते हैं, तो उन केसों में भी ये थोड़ा मतलब अपन इन जनरल यूज करते नहीं। हाँ टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं, उससे आगे वाले नहीं कर सकते। टू बॉडी में रिड्यूस मास में फॉर्म कन्वर्ट करके, ये सब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है क्वांटम मैकेनिक्स, बस हाइड्रोजन एटम में तो अपन टू टू बॉडी को बाय रिड्यूस मास। हाँ सही है आपने, यस यस
आपने ये बोला कि श्रोडिंगर जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियबल इक्वेशन है, हाँ बट इसमें अपन टोटल देखें तो एक साइड में डबल डेरिवेटिव है और एक साइड में सिंगल डेरिवेटिव है, तो अपन कैसे बोल सकते हैं कि ये सेकंड डेरिवेटिव है? नहीं, ऑर्डर बता रहा हूँ मैं, ऑर्डर 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 बता रहा हूँ मैं, ओ सेकंड ऑर्डर। या हाँ हाँ यस यस, वो होता है ना आई टाइथ का डेल्टा साइन टू डेल्टा टी इक्वल टू साइन। क्या यहाँ पे अपन वेव इक्वेशन लगा सकते हैं? बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन तो वेव इक्वेशन पे ही डिपेंडेंस है, वेव मैकेनिक्स पे डिपेंड करती है। तो अपन को वेव फंक्शन पता होगा सिस्टम के बारे में, अपन बोल सकते हैं कि अपन को सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता है, इन्फॉर्मेशन पता है उस सिस्टम के बारे में, और उसको अपन उस वेव फंक्शन को पुट कर देंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, उसे जो उसके सोल्यूशन निकलेंगे वो निकलेंगे एनर्जी के फॉर्म में या फिर मोमेंटम हो सकता है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे फिर बात करते हैं ऑपरेटर्स की, बात है तो ऑपरेटर आते हैं क्योंकि इनका जो रिलेशन होता है एनर्जी का और जो होता है ना मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब चीजें एक्स और होगा ये। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है ना श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट जो फर्स्ट वाला लिखा था, तो मतलब ये तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ग्रेड स्क्वायर है, बट हम लोग अगर ऑपरेटर में अगर पुट करेंगे जो ऑपरेटर है पी ऑपरेटर माइनस आई एच का डेल एल एक्स एंड मतलब पोजिशन ऑपरेटर वाइस वर्सा होगा, तो हम लोग ऑपरेटर पुट करके इसको फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो क्या है ना, ये जो टाइम डिपेंड, अच्छा आप ये बोल रहे हो जो टाइम इंडिपेंडेंट, हाँ यस हाँ इसको अच्छा इसको अगर मतलब फर्स्ट ऑर्डर में यस कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा इजी होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर मतलब कंपैरिजन टू फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करने के लिए। अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बाई अप्लाई ये सब, ये कॉन्सेप्ट है ना ये। हाँ हाँ तो वो अप्लाई करके थोड़ा इक्वेशन मतलब निकालो ना, मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा पूछा था आईआईटी दिल्ली में। हाँ अच्छा आईटी दिल्ली में, अच्छा अच्छा ठीक है तो मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो जैसे कि उस टाइम नहीं हुआ था मेरा भी। तो यहाँ पे अच्छा, तो डे स्क्वायर साइन कॉस डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा, तो अपन ने इसको मतलब बट अपन ये और ऑपरेटर फॉर्म में जी कन्वर्ट करेंगे तब वो चीज आई है। हाँ मतलब ग्रेड स्क्वायर जो है उसमें आप जिस टाइम मतलब डेल 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 स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर होगा, तो वहाँ पे जिस टाइम पोजिशन मोमेंटम ऑपरेटर को वहाँ पे पुट करोगे वो तो स्क्वायर हो जाएगा ना, सही बात सही बात सही बात। अच्छा तो फिर से तो सेकंड ऑर्डर टाइप ही हो गया। बट अच्छा फर्स्ट ऑर्डर कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर, नहीं फर्स्ट ऑर्डर तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर जो आती है ना वो तो डिराक इक्वेशन आती है, ये तो नहीं आती आई थिंक, मेरे को जितना आइडिया है। अच्छा, तो हाँ होगा वो नहीं आई होगा थिंक, पता नहीं, हाँ होगा बट नहीं, ये अल्फा क्वेश्चन गोर बीटा वेक्टर प्लस ये सब, ये जो अल्फा ये फोर मैट्रिक्स होती है सब चीजें है ना, ये है ना, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है डिराक इक्वेशन तो। बट अपन क्या कर सकते हैं इस श्रोडिंगर इक्वेशन से केजी इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी केल्विन जोर्डन इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट, ये ना ये रिलेटिविटी का, ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर, ये अप्लाई करके एनर्जी को यहाँ पुट कर देंगे इस इसमें, और उसके बाद में वो आ जाएगा केजी इक्वेशन आएगी। बट मेरे को पता नहीं, बट इसमें फर्स्ट ऑर्डर में कर सकते हैं ये, मेरे को पता नहीं। मोहित कुछ आइडिया है? लो विद्युत, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है। राहुल सर, नितेश नो आइडिया, को देख लेंगे हम, जैसे आंसर मिलेगा तो फिर डिस्कस करेंगे हाँ ना, चेक कर लेना पवन, अगर कुछ मिले तो आंसर इसको। हमें दो क्वेश्चन अपने देखिए, एक तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और एक ये क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन अपन देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में। नहीं और विद्युत एनी डाउट और एनी सजेशन? अभी तो कुछ मतलब याद नहीं हो रहा है क्वेश्चन। राहुल सर, इसको और एक्सटेंड करेंगे मीटिंग को या फिर आज के लिए काफी है इसमें?
मिट्टी तो आज के लिए काफी है मोहित। कुछ सजेशंस हो आपकी तरफ से तो बताओ। रिकॉर्डिंग जब मेरे रिगार्डिंग कोई यस हाँ वो सर मेरे रिगार्डिंग कोई फीडबैक हो, थोड़ा स्पीड ज्यादा है कम है तो वो सब चीजें भी थोड़ा ऐड कर देना। हाँ राहुल सर बताइए। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ रिकॉर्डिंग अभी चालू है? मैं भी वो करता हूँ रिकॉर्डिंग।